हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं कड़ी पकौड़ा। तो इस तरीके से आपके घर में अगर पकौड़े बच जाते हैं तो उनको आप छोटे छोटे पीसेस में काट के उनका कड़ी पकौड़ा बना सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। ये जो पकौड़े आप देख रहे हो, ये थोड़े बचे हुए पकौड़े थे, इन्हें हमने बारीकी से काट लिया है। पकौड़े बनाने का रेसिपी मैंने ऊपर आई बटन पर दे दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लिंक देख सकते हो। यहाँ पे हमने एक प्लेट में 3 कटे हुए हरी मिर्च, थोड़े से कड़ी पत्ते और थोड़ा सा धनिया ले लिया है। अब एक बाउल ले लेंगे और इस बाउल में हमने आधा कप बेसन का आटा डाल दिया है और 1 कप दही। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें हमने अभी थोड़ा सा पानी डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से आपको इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। बेसन और दही को मिक्स करने के लिए आप मिक्सर ग्राइंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब हमने फ्लेम ऑन करके उस पर एक कढ़ाई रख दिया है और इसमें हमने 2 से 3 टेबलस्पून तेल डाल दिया है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसमें हमें आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई मिर्ची के टुकड़े और कड़ी पत्ता डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब मिर्ची और कड़ी पत्ता अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, इसमें हमें आधा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और आधा चम्मच हल्दी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे 1 मिनट फ्राई कर लेना है। अब इसमें हमें बेसन का आटा और दही हमने मिक्स करके रख दिया था, उसे डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें मिक्स करते रहना है जब तक उबाल ना आ जाए। जब उबाल आ जाएगा इसमें, तब हम इसमें 1 ग्लास पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देना है, आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच धनिया पाउडर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमने यहाँ पे अभी धनिया का पत्ता भी डाल दिया है और इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। जब इसमें इस तरह से उबाल आ जाएगा, इसमें हम कटे हुए पकोड़े डाल देंगे और इसे 2 मिनट के लिए पकने देंगे। हो गया हमारा कड़ी पकोड़ा तैयार। तो जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स इस रेसिपी को। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।